डॉक्टर की भागदौड़ हुई व्यर्थ। देखिए नीट पीजी एग्जाम निरस्त होने से अभ्यर्थियों में निराशा है। राजस्थान समेत आसपास के राज्यों से डॉक्टर्स ने तय की लंबी दूरी, एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन कुछ घंटे पहले परीक्षा रद्द होने से पूरी भागदौड़ व्यर्थ हो गई। जयपुर पहुंचे काफी स्टूडेंट ने सिस्टम की व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की है। स्टूडेंट का तर्क कि जब परीक्षा रद्द ही करनी थी तो एक दो दिन पहले ही ये डिसीजन ले लेना चाहिए था, ताकि कम से कम भागदौड़ और आर्थिक भार से डॉक्टर्स बच पाते। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए निराशा हाथ लगी है और भागदौड़ से परेशान हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो ये भागदौड़ है फिलहाल व्यर्थ नजर आ रही है। युवा डॉक्टर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिनकी भागदौड़ व्यर्थ हुई है। नीट पीजी एग्जाम निरस्त होने से अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा निराशा है। राजस्थान समेत आसपास के राज्यों में डॉक्टर्स ने लंबी दूरी यहाँ पे तय की थी, और देखिए एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया था, लेकिन कुछ घंटे पहले ही परीक्षा रद्द कर दी गई और इस परीक्षा रद्द होने से पूरी भागदौड़ व्यर्थ हो गई। इसके अलावा आपको बता दें कि जयपुर पहुंचे काफी स्टूडेंट्स ने सिस्टम की व्यवस्था पर यहाँ पे नाराजगी व्यक्त की है, और स्टूडेंट का तर्क ये है कि जब परीक्षा रद्द करनी थी तो ये डिसीजन एक दो दिन पहले लेना चाहिए था, ताकि कम से कम जो उनकी भागदौड़ हुई है वो ना होती और जिस तरह से आर्थिक भार उनको लगा है वो नहीं हो पाता। अधिक जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ बने। विकास, विस्तार से जरा जानकारी दीजिए अभ्यर्थियों में निराशा है इस एग्जाम को रद्द करने को लेकर। देखिए इंदु, जिस तरह से नीट पीजी का एग्जाम आज देश के कई शहरों में आयोजित होना था, और इस एग्जाम को लेकर के बच्चों में जबरदस्त उत्साह था, और बच्चों ने किसी भी दुविधा से बचने के लिए एक दिन पहले ही अपना जो सेंटर है उस शहर की ओर रास्ता अपना लिया था। लेकिन कल देर शाम को अचानक से ये फैसला लिया गया कि नीट पीजी का एग्जाम निरस्त हुआ है, जिससे बच्चों में जबरदस्त निराशा का भाव है। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात में हो गई कि अगर बच्चों का कहना यही कि अगर परीक्षा रद्द ही करनी थी तो उनको एक दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए, कम से कम उनकी भागदौड़ बच जाती और साथ में उनका आर्थिक भार भी नहीं आता। अगर बात करें जयपुर की, तो जयपुर में तकरीबन 150 से 200 बच्चे ऐसे हैं जो कि दूसरे शहरों से गुजरात, बेंगलोर, साथ में दिल्ली और अन्य जो शहर है वहां से जयपुर पहुंचे हैं एग्जाम देने के लिए, और यहाँ एग्जाम देने के जो पहुंचे हैं उसके बाद में तैयारी सेंटर के आसपास में उन्होंने होटल भी किराए पर ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद जब उनको जानकारी मिली कि एग्जाम व्यस्त किया तो उन सभी में एक रोष भी है, नाराजगी भी इस बात को लेकर के क्यों बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी चलिए विकास, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। देखिए अभ्यर्थियों में यहाँ पे काफी ज्यादा निराशा है। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।